मोनालिसा तथा लास्ट सफर किसके चित्र हैं? तो इसका आंसर है बा लियोनार्डो दाविंसी। छापे खाने का आविष्कार कब हुआ? इसका 1450। जेसुइट संगठन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सा इग्नेशियम लायला। एलिजाबेथ ने किस नाविक को नाइट की उपाधि दी थी? इसका आंसर है सा ड्रेक। पेट्रार्क बेकासियो क्या था? तो सा शिष्य। मोनालिसा चित्र किस कलाकार की हैं? रोमन कैथोलिक चर्च कैसी संस्था थी? तो इसका उत्तर है सा अंतर्राष्ट्रीय। जल्विच ज्विंगली ने किस देश में धर्म सुधार का बीड़ा उठाया? तो द स्विट्जरलैंड। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? सा जॉन वाइक्लिफ। इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया? तो बा हेनरी आठवां। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम नाविक था जो सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाकर जीवित अपने देश लौटा था? तो सा ड्रेक। औद्योगिक क्रांति के दिनों में श्रमिकों से कितने घंटे कार्य लिया जाता था? तो बा 10 घंटे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं? तो सा कार्ल मार्क्स। व्यापारी पूंजीवाद आधारित था? तो सा व्यापार लूट और दास्तापर। जेम्स वार्ड को किसके लिए जाना जाता है? तो बा भाप के इंजन के लिए। कैपिटलिज्म शब्द को किसने प्रचारित किया था? तो सेंट साइमन। सा फ्री मार्केट इकोनॉमी अथवा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? बा पूंजीवाद। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी रचना है? तो द एडम स्मिथ। स्टाम्प अधिनियम को कब बर्खास्त किया गया? तो 1766। सन 1767 ईस्वी में किन किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया गया था? तो सा चाय, शीशा, कागज, सिक्का, धातु और रंग। बोस्टन पत्र के व्यवहार समिति का गठन कब किया गया? तो द 1772 में। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो बा 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो 21 जून। द बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो सा 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। पेरिस की संधि किस वर्ष हुई थी? तो सा 3 सितंबर 1783। नेपोलियन बोनापोर्ट कब इटली का राजा घोषित किया गया? तो सा 1805। टिलसिट की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? तो द फ्रीडलैंड। लिम्पजिंग का युद्ध कब हुआ था? तो बा 1813। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ स्थित है? तो बा दक्षिणी अमेरिका में। वाटरलू के मैदान में किसकी पराजय हुई थी? तो नेपोलियन बोनापोर्ट की। नेपोलियन बोनापोर्ट के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? तो बा 18वां। नेपोलियन का स्वभाव था? तो जिद्दी। बर्लिन विज्ञप्ति का प्रकाशन कब हुआ था? तो बा 1806 ईस्वी। नेपोलियन ने मिस्र के किस बंदरगाह पर अधिकार किया था? तो सा अलेक्जेंड्रिया। पिरामिड का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सा फ्रांस तथा मिस्र। आधुनिक यूरोप का निर्माता कहा जाता है? तो नेपोलियन को। बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो 1862। सैडोवा का युद्ध लड़ा गया था? तो द 1866 ईस्वी में। जर्मनी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो द चांसलर। राइन राज्य संघ का संस्थापक कौन था? तो बा नेपोलियन प्रथम। चार्ल्स एल्बर्ट शासक था? तो ये था सार्डिनिया पीडमांट का। सैडान के युद्ध में प्रशा की सेना का कमांडर कौन था? तो सा प्रैटिस डी मैकमोहन। लोहे प्रधानमंत्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो बा ऑटो वान बिस्मार्क। जर्मन संसद का क्या नाम था? तो बा रीखस्टैग। सॉन्ग ऑफ जर्मनी के रचयिता कौन है? तो सा हेनरिच कॉफमैन। इटली की आत्मा किसे कहा जाता था? बा गैरवाल्डी। बिस्मार्क युग कब तक माना जाता है? 1871 से 1890 ईस्वी। दुनिया के युद्ध का प्रारंभ हुआ था? तो 1854। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था? तो बा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। एंग्लो फ्रेंच समझौता हुआ था? तो बा 1904 को। रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था? 1917 ईस्वी में। जर्मनी ने वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बा 1919 ईस्वी। जर्मनी के लोग वर्षा की संधि को मानते हैं अन्यायपूर्ण, एकपक्षी, विश्वासघाती, ये उपरोक्त सभी मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने समय तक चला? 4 वर्ष। द वर्षा की संधि में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो द 65। बूढ़ा शेर किसे कहा गया था? द क्लीमेंसो को। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? 11 नवंबर 1918 को।
प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था तो द 1918 को। तो ट्रस्की की हत्या कब की गई थी तो आ 1940 को। रूस में गेमस्तवो किसे कहा जाता था तो सा स्थानीय प्रशासक संस्था को। बोल्शेविक क्रांति घटित हुई तो द 9 नवंबर 1917 ईस्वी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी तो सा 3 मार्च 1918 को। रूस की प्रथम क्रांति हुई तो बा 1917 ईस्वी। ड्यूमा क्या है तो आ रूस साम्राज्य की विधानसभा। राष्ट्रपति कौन था तो आ दुष्ट साधु। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ तो बा 1 सितंबर 1939 को। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था तो बा 1941 को। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी तो आ अप्रैल 1945 ईस्वी। 6 अगस्त 1945 को जापान पर गिराए गए बम का क्या नाम था तो बा लिटिल वॉर। 9 अगस्त 1945 को जापान की नागासाकी शहर पर गिराए गए बम का क्या नाम था तो आ फैट मैन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे तो बा ट्रिगवेली। इसका कथन था मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूँ सा नेवल चैम्बरलैन। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था तो बा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है तो सा न्यूयॉर्क। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है तो सा 24 अक्टूबर। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग थे तो सा 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र में कुल कितने शब्द हैं तो बा 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिज्ञा पत्र में कुल कितनी धाराएं हैं तो बा 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी है तो दा 15। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं तो आ 54।